Hello students, I hope you all are safe at your home. Today once again we are going to read English of class 6th lesson 4 and the topic is the old clock shop. The topic is old clock shop yani ki ek ghadi ki purani dukan. ठीक है, एक दुकान है. पूरी स्टोरी का जो सेंटर है वो है एक घड़ी की दुकान जिसके ओनर है मिस्टर रे. और जो एक अलग बात है वो ये है कि जो मिस्टर रे हैं वो डीफ एंड डम है, यानी कि वो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते हैं, बट वो उस घड़ी की दुकान के ओनर हैं और वो वहां घड़ी बेचते हैं. मिस्टर रे एक ऐसे इंसान है जो कि मुश्किल में फंसे हुए लोगों की हेल्प करते हैं. वो कुछ पैसों के बदले कुछ सामान उस आदमी का ले लेते हैं और उस आदमी को कुछ पैसे दे देते हैं. यानी कि अगर हमें किसी चीज की पैसे की जरूरत है तो हम अपनी कोई भी चीज मिस्टर रे को दे सकते हैं और उसके बाद वो उसके बदले हमें पैसे देते हैं. लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि कुछ लोग उनके पैसे लौटाते हैं या नहीं, बट फिर भी मिस्टर रे ये काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं. सो आगे स्टोरी में एक ऐसा ही इंसान उनके पास आता है जिसकी जो मेन एम था वो था दुकान में चोरी करना या फिर वहां से पैसे लूटना. तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है वी विल रीड इन दिस स्टोरी. सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव यानी कि 24 दिसंबर की शाम. 25 को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और 24 यानी क्रिसमस ईव. तो क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की जो शाम थी वो आ चुकी थी. 12 बजे के बाद क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग. एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. सो यूएसए इट इज मेंशन यूएसए. सो दिस स्टोरी बिलोंग्स टू यूएसए अमेरिका. ये स्टोरी अमेरिका की है. और एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम. क्रिसमस ईव थी और लगभग सभी जितने भी शॉपिंग करने वाले थे सभी शॉपिंग करके घर जा चुके थे. एक थिक एक मोटी सी वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक. और जो सॉल्ट लेक थी ये एक लेक का नाम है. तो उस लेक के ऊपर एक मोटी सी जो है एक परत जम गई थी स्नो की, यानी कि वहां बर्फ पड़ रही थी. दिसंबर विंटर सीजन था उस समय. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सॉल्ट दैट डे. सब लोग घर जा चुके थे, शॉप्स बंद हो रही थी, लेकिन जो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी वो अभी भी खुली हुई थी. वहां रे यानी कि जो उस दुकान के मालिक थे एक बूढ़े व्यक्ति, वो डेफ थे यानी कि वो गूंगे और बहरे थे. ठीक है. वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वो उस दिन जो उन्होंने एक क्लॉक खरीदी थी उस पर वो अभी भी काम कर रहे थे. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपना काम खत्म करने के बाद रे खड़े उठे और वो अपने बैक रूम की तरफ जाने ही वाले थे, तभी एक ठंडा सा हवा का झोंका जो कि उनके फ्रंट डोर से आया वो आकर के उनके गले पे लगा पीछे से. ठीक है, यानी कि दरवाजा खुला और उसमें से जो ठंडी हवा थी वो रे के नेक पे आकर के लगी. ही टर्न टू मीट द लास्ट मिनट शॉपर. अब वो जो है जो लास्ट मिनट शॉपर यानी कि आखिरी मिनट में जो शॉपिंग करने के लिए आया था उस व्यक्ति से मिलने के लिए वो मुड़े. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. लेकिन उनकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखें जान गई आंखें कि वो कोई शॉपर नहीं था. तो शॉपर नहीं था तो कौन था. ही सॉ टू मैन. उसने दो आदमियों को देखा. वन इन हिज 20s, एक लगभग 20 साल का था. द अदर क्लोजर टू 50 और दूसरा जो है लगभग 50 साल का होने वाला था. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. जो 20 साल का लड़का था वो अभी भी डोर पे खड़ा था. एंड द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई. और जो 50 ईयर्स का था वो वहां पे आया दुकान के अंदर, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई दोस्ताना व्यवहार नहीं था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल
अक्रॉस द काउंटर. काउंटर मीन्स होता है जो दुकान के आगे एक बॉक्स टाइप का होता है, टेबल जैसा, उसे काउंटर कहते हैं. तो रे को पता चल गया था कि वो कोई शॉपिंग करने तो आया नहीं है, लेकिन अपने डर को छुपाने में रे समर्थ थे और उन्होंने अपने डर को छुपाया और उन्होंने धीरे से एक नोटपैड और एक पेंसिल को आगे बढ़ा दिया. ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उसने जो है जो अनफ्रेंडली फेस वाला जो 50 ईयर्स का जो आदमी वहां आया था उसको देख करके स्माइल किया और अपना अपने कान की तरफ इशारा किया और अपना सिर को हिलाया, यानी कि वो उन्हें बता रहे थे कि वो सुन नहीं सकते हैं. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड. और तभी नोटपैड को पढ़ने के बाद उस आदमी के फेस का जो एक्सप्रेशंस थे वो सरप्राइज में चेंज हो गए. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. उसके बाद वो आदमी मुड़ा और अपने दोस्त से कुछ कहने लगा. रे यूज्ड चांस to look closely at the man, paying attention to the shape of gun and a restless hand in the man's right coat pocket. और तब रे ने जो है उसी समय जब वो इंसान पीछे को मुड़ा हुआ था तो रे को चांस मिला कि वो उस इंसान को पास से देखे, एनालाइज करे. तो रे ने देखा कि उसका जो हैंड था, राइट साइड का जो हैंड था, उसने उसे अपने कोट की जेब में डाला हुआ था और वहां वो एक गन की शेप में दिख रहा था. ठीक है. एंगर बॉयल्ड विद इन हिम. अब रे को जो है गुस्सा आया. ठीक है, रे को गुस्सा आया क्योंकि वो उसकी दुकान में जो है एक गन लेकर के आया हुआ था, तो उनको गुस्सा आया. ठीक है, एंगर बॉयल्ड बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. लेकिन तभी रे के मन से आवाज आई कि स्टिल, अभी शांत रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू. उन्होंने नोटपैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल. अब इस बार जो आदमी था उसने रे की तरफ डायरेक्ट देखा और वो स्माइल करने लगा. अ क्रूअल मोकिंग स्माइल. लेकिन उसकी जो स्माइल थी वो काफी क्रूअल, यानी कि दयनीय, दया से हीन, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, और मोकिंगली यानी कि मजाक उड़ा रहा हो वैसी स्माइल उसने की. They both understood why he was there. वो दोनों समझ चुके थे, रे और वो आदमी दोनों समझ चुके थे कि वो वहां क्यों था. Why his friend remained at door. और उसका जो दूसरा दोस्त था वो क्यों दरवाजे पर ही अभी तक वहीं पर खड़ा था. They looked like men who were down to their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब वो दोनों के दोनों ऐसे लग रहे थे कि वो किस्मत के मारे हुए लोग थे और अब वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए उन्हें बाद में सॉरी फील होता, यानी कि वो रे को लूटने वाले थे. बट आगे क्या होता है. द क्लॉक टिकल ऑन. रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. अब रे वहां की जो रे के क्लॉक शॉप में जो घड़ियां थी वो टिक टिक होके बज रही थी. रे ने जो है काफी शांति से एक नोट लिखा, उस पर लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. क्या आप यहाँ पे कोई घड़ी या फिर वॉच लेने आए हैं. यानी कि एक तो रिस्ट वॉच होती है जो कि हम अपने साथ कैरी करते हैं, बट क्लॉक यानी कि कोई बड़ी घड़ी जो हम सिर्फ अपने घर पे रखते हैं. तो वैसा पूछा रे ने. Then he pointed to the loan board. और उसके बाद उन्होंने loan board की तरफ इशारा किया. Hanging clocks and pocket watches. उसके बाद रे ने जो है एक loan board था उसकी तरफ इशारा किया. So students, यहाँ पे ये है कि जो रे थे वो क्या करते थे, वो जो जरूरतमंद लोग होते थे तो वो लोग रे की दुकान में जाकर के अपना कुछ भी सामान रे को दे देते थे और उसके बदले रे उनको पैसे देते थे. यानी कि अपना सामान लोग गिरवी रखवाते थे रे के पास और रे जो है उसके बदले उन्हें पैसे देते थे और कभी कभी ज्यादा पैसे देते थे. जितनी महंगी वो चीज नहीं होती थी उससे भी ज्यादा पैसे देते थे और उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी आकर के पैसे दे करके अपनी चीज वहां से ले सकता था. तो इस तरह से जो रे हैं वो लोगों की हेल्प करते थे. इट वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. लेकिन जो रे थे वो कोई ब्रोकर नहीं थे, दलाल नहीं थे. बट एट द सेम टाइम कुडन से नो to the needy people who placed their old watches and clocks before him for anything they could get.
लेकिन जो रे थे वो दलाल नहीं थे, लेकिन वो ये काम करते थे कि वो लोगों की चीजों के बदले उनको पैसे देते थे जो कि नीडी पर्सन होते थे उनको। ही लोन मोर देन ही शुड, वो उस चीज की कीमत से ज्यादा पैसे लोगों को देते थे। जैसे कोई घड़ी लेके जाता था तो अगर वो घड़ी की कीमत ज्यादा भी नहीं होती थी फिर भी रे उनको ज्यादा पैसे दे देते थे। दे वुड बी देयर वेन द ओनर्स वॉन्टेड देम बैक, और फिर उसके बाद जब कभी भी जो ओनर है वो अपनी चीज वापस लेना चाहता था तो वो ले सकता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो उतने ही पैसे वापस करता था जितने कि उसने रे से लिए हुए थे, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट, यानी कि बिना किसी ब्याज के। ओके, देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल इजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक एट द वॉचेस ऑन हिज रिस्ट। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। अब उस आदमी ने क्या किया, अपना जो हाथ था वो पॉकेट जिसमें कि गन थी पकड़ी हुई, वो गन छोड़ करके हाथ बाहर निकाला और उसने रे से पूछा कि आप मुझे इसके लिए कितने पैसे देंगे। उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारते हुए पूछा। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन हिज ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। अब रे ने नोटिस किया कि उस आदमी को, उस आदमी की आंखों में थोड़ी सी शर्म दिख रही थी। अब जो उसने घड़ी के लिए पूछा कि आप इसके बदले मुझे कितने पैसे दे सकते हैं, तो वो जो घड़ी थी तो वो घड़ी कुछ स्पेशल नहीं थी, उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन अभी उस घड़ी में बहुत ज्यादा पावर थी क्योंकि उस घड़ी के कारण वो रॉबरी नहीं बल्कि वहां से लोन लेना चाहता था। आप देख रहे हैं बच्चों कि पहले वहां पे वो लूटने आया था, लेकिन अब जब उसे पता चला कि रे इस तरह से लोन देते हैं तो अब वो लोन लेने की सोच रहा है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड बॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस आदमी की इतनी बैड सिचुएशन होगी कि वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था कि वो लूटने जा रहा था, क्योंकि उसको क्या है बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए वो पहले वहां पे रॉबरी करने आया था, लेकिन अब वो कुछ और सोच रहा था। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, अब रे ने पूछा आपको कितना चाहिए इस घड़ी के लिए, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ, अब ये जो कन्वर्सेशन थी ये सारी की सारी नोट पैड पर चल रही थी, लिख लिख के चल रही थी। तो अब रे ने उससे पूछा कि आप इस घड़ी के लिए कितने पैसे चाहते हैं, तो उस आदमी ने कहा जितने जितने पैसे के ये लायक है ये घड़ी, उतने पैसे आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड हिज इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल आउट अ $50 नोट एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड। अब रे गए, उन्होंने अपने जो कैश बॉक्स था जहां वो पैसे रखते थे वहां से उन्होंने $50 निकाले और उस आदमी को दे दिए। As they shook hands, Ray looked into the man's eye. They seemed to say thank you. अब वो आदमी के जो हाथ थे वो हिलने लगे, कांपने लगे। और क्यों कांप रहे थे? क्योंकि उसकी घड़ी उस लायक थी ही नहीं कि उसे $50 दिए जाते, लेकिन रे ने उसे $50 दिए क्योंकि वो नीडी पर्सन था। रे समझ गए कि उसकी जरूर ही कुछ ऐसी जरूरतें होंगी जिसके कारण कि वो चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए वहां पे आया है, लेकिन अब वो वहां पे लोन लेना चाहता था। तो रे खुश थे और रे उस आदमी को देख करके समझ गए कि वो आदमी उन्हें थैंक यू कहना चाह रहा है। दे बोथ न्यू द वॉच वजंट वर्थ दैट मच, अब वो दोनों व्यक्ति यानी कि जो दोनों चोरी करने आए थे जो कि 20 इयर्स का था और जो 50 इयर्स का था, दोनों जानते थे कि जो घड़ी है वो उस लायक नहीं कि उसे $50 दिए जाए, ठीक है, लेकिन वो समझ चुके थे कि इस आदमी ने हमारी हेल्प की है, यानी कि रे ने उनकी हेल्प की है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, अब जाने से पहले उस 50 इयर्स के आदमी ने कहा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। उसने कहा मैं वापस जरूर आऊंगा इस घड़ी को लेने के लिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितने जल्दी हो सके मैं वापस आकर के अपनी घड़ी ले जाऊंगा, मैरी क्रिसमस, उसने ये नोटपैड पे लिखा। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, अब ये जो जितना भी ये सब कुछ हो रहा था ये आधे घंटे के अंदर खत्म हो चुका था, जो कुछ भी ये घटना हो थी वो आधे घंटे में ही खत्म हो गई, आधे घंटे में ही वो आदमी आया,
चोरी के इरादे से, लेकिन वो अब लोन लेकर के वहां से जा चुका था। और तभी जो है सारी घड़ियां यानी कि आधे घंटा 12 बज चुके थे, 12 बजने से पहले की ये घटना थी। तो जैसे ही 12 बजे वैसे ही सारी की सारी घड़ियां जो है आपस में जोर जोर से वो क्लॉक बजने लगी। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि क्लॉक्स जो है अलार्म देती हैं, तो 12 बजे वो बजने लगी। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। अब वो सारा का सारा जो समय था जो इतना शांत था वो अचानक से घड़ी की आवाजों से गूंजने लगा, और उस समय की जो खुशी थी उसको महसूस करते हुए रे को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घड़ियों की आवाज का जो म्यूजिक है उसे रे खुद भी सुन रहे होंगे। रे को ऐसी फीलिंग आने लगी। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। उन घड़ियों का जो स्वीट म्यूजिकल मैसेज था वो आशा से भरा हुआ था, उसमें बहुत सारी आशाएं थी और वो आशाओं से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुड विल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप। और उसके बाद जो ये मैसेज था धरती पे शांति का, अच्छी इच्छाओं का, वो चारों तरफ फैल गया उस शॉप में, जिसे कि सिर्फ तीन लोगों ने महसूस किया। और वो तीन थे रे, 50 इयर्स का आदमी, और जो 20 इयर्स का उसका साथी था। सो स्टूडेंट्स, आप समझे यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये था कि रे की जो अच्छाई थी उसने उस आदमी की बुराई पे जीत पा ली। वो आदमी पहले वहां पे चोरी रॉबरी करने के लिए आया था, वो चाहता था कि वो दुकानदार को लूट ले, रे को लूट ले, लेकिन रे की जो इम्प्रेशन था उस इम्प्रेशन ने उस आदमी का जो हृदय था वो एकदम परिवर्तन कर दिया। और उस आदमी ने सोचा कि रॉबरी करने से जब अच्छा है कि मैं अपनी क्लॉक जो रिस्ट वॉच है उसे यहाँ पे गिरवी रख के कुछ पैसे ले लेता हूँ। और जब रे ने उसे $50 दिए तो वो आदमी और ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि उसने रॉबरी ना करके गिरवी लिया है और उसने वादा किया है कि वो जल्द से जल्द वापस आएगा और जो ये घड़ी के पैसे हैं उन्हें वापस करके अपनी घड़ी ले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।